क्या रिजर्वेशन सच में अनजस्टिफाइड है? क्या रिजर्वेशन को हमें हटाना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं गजोम अरुणाचल इंडिया से। हम सबको पता है रिजर्वेशन क्या है। क्या रिजर्वेशन सच में अनजस्टिफाइड है? किस वर्ग को कितना रिजर्वेशन मिलता है? इसका कारण क्या है? जनरल कैटेगरी को इन रिजर्वेशंस के बाद कितनी सीटें बचती हैं? इन जैसे पहलुओं पर हम आज बात करने वाले हैं। रिजर्वेशन की बात हो और अगर हम कास्ट सिस्टम की बात नहीं करें तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए जरा हिस्ट्री से शुरू करते हैं। रिजर्वेशन का जड़ क्या है? अगर हम रिजर्वेशन के जड़ को ढूंढने निकलेंगे तो हमें ये वेदों में छुपा मिलेगा। वेदों के अनुसार हिंदू धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण है। अब इसके अनुसार इन चारों वर्णों को अपना अपना किरदार मिला। फॉर एग्जाम्पल, ब्राह्मण को विद्या से जोड़ा गया, क्षत्रिय शक्ति का प्रतीक है, वैश्य व्यवसाय को संभालते हैं और शूद्र को कलाकारी और कारीगरी की जिम्मेदारी मिली। एनसीईआरटी किताबों के मुताबिक ये जो विभाजन है ये अर्ली वैदिक पीरियड में बहुत स्ट्रिक्ट नहीं था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये बहुत स्ट्रिक्ट हो चला। मतलब समाज में बहुत ज़्यादा ऊंच नीच आने लग गई और इसी कारण कई धर्म गुरुओं ने उस वक्त हिंदू धर्म से हटकर अपने अपने अलग धर्मों का आह्वान किया। पर भारत के समाज में ये विभाजन हमेशा से ही बना रहा। इतिहासकार बताते हैं कि आज़ादी के पहले से ही भारत में वर्णों के आधार पर आरक्षण शुरू हो गया था। फॉर एग्जाम्पल, कोल्हापुर के महाराजा राजर्षि शाहू ने नॉन ब्राह्मण और बैकवर्ड क्लासेस के लिए आरक्षण शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि उन्होंने तब अनटचेबिलिटी को एबोलिश करने की भी कोशिश की थी। ग्रेट मैन, वेरी एडवांस्ड। इसके अलावा मैसूर के राजा नलवड़ी कृष्णराजा वडियर ने भी पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण शुरू की थी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919 और 1932 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने कम्युनल इलेक्टोरेट्स पर जोर दिया। इसी कारण गांधी जी और अंबेडकर के बीच भी थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट आ गई थी, जहां गांधी जी फास्ट ऑन टू डेथ पर चले गए और बाद में अंबेडकर हिंदू सिंगल इलेक्टोरेट के लिए मान गए, जहां ऑफकोर्स दलितों के लिए सीट्स रिजर्व थी। एंड दिस बिकेम द पूना पैक्ट। अब चलिए शेड्यूल कास्ट यानी एससी और शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी को जरा संक्षिप्त में समझते हैं। भारत ज्योग्राफी के लिए और एथनी के लिए एक बहुत बड़ा देश है। हिंदू धर्म के चार वर्णों के अलावा भारत में और एक जात पाई गई जिसे दलित कहा गया। ये संभवतः स्थानीय मूल निवासी रहे हों और शायद इसीलिए इन्हें इन चार वर्णों में नहीं गिने गए हों। इस वर्ग को बाद में हरिजन कहा गया और इन्हें साफ सफाई जैसे कामों में जोड़ दिया गया और डॉक्टर अंबेडकर भी इसी वर्ग से बिलोंग करते थे। हरिजन के अलावा कुछ ऐसे भी वर्ग हैं जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन से ज्योग्राफी के लिए आइसोलेटेड रहते हैं। इन्हें शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी कहा जाता है, यानी आदिवासी। आदिवासी पारंपरिक तौर पर बाकी जात से अलग रहते हैं और क्योंकि ये भी बहुत पिछड़े और गरीब होते हैं, इन्हें भी रिजर्वेशन के लिए कंसिडर किया गया। आज कई ट्राइबल्स कई धर्मों में कन्वर्ट हो चुके हैं, पर हकीकत की बात यह है कि ट्राइबल्स का अपना कोई धर्म नहीं होता। हाँ, अभी अरुणाचल प्रदेश में दोनी पोलो रिलीजन की स्थापना हुई है, पर अभी भी यहाँ के मूल निवासी एनिमल सेक्रीफाइसेस प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि एज ए रिलीजन दोनी पोलोइज्म एक बहुत ही सकारात्मक कदम है और लोग इसे स्वीकार भी रहे हैं। दिस विल हेल्प प्रिजर्व योर कल्चर एंड आइडेंटिटी। हरिजन और एसटी के अलावा चार वर्णों में आने वाले शूद्र की दशा भी, खास करके उनकी आर्थिक स्थिति भी बाकी तीन वर्णों से बहुत ही खराब थी और इनके हालात में सुधार लाने के लिए इन्हें भी रिजर्वेशन के लिए कंसिडर किया गया। कहते हैं प्री कॉलोनियल इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड नहीं था, लेकिन अंग्रेजों के छत्रछाया में ये बहुत ही रिजिड हो चला। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को 1882 में ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर विलियम हंटर ने शुरू किया था। दरअसल आज का जो रिजर्वेशन सिस्टम मौजूदा हालात में आप देख रहे हैं, ये 1933 में तब के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल के कंसेप्चुलाइज की गई कम्युनल अवार्ड है। आज़ादी के बाद शुरुआत में सिर्फ एससी और एससी को ही रिजर्वेशन दी जानी थी। ओबीसी को रिजर्वेशन के दायरे में मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पर 1991 में इंक्लूड किया गया। ये काफ़ी रिसेंट है। रिजर्वेशन पर मैंने और एक वीडियो बनाई है और ये वीडियो आप मान सकते हैं उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है। सजेस्टेड वीडियो और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। इज़ रिजर्वेशन जस्टिफाइड? क्या रिजर्वेशन जस्टिफाइड है? रिजर्वेशन को लेकर कई हामी भरते हैं, कई आक्रोश जताते हैं। मेरा मानना है अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को समझ जाएंगे तो इस चीज़ को आप बड़ी स्पष्टता से आपके सामने आ जाए कि आप समझ सकते हैं विथ मोर क्लियरिटी। तो चलिए जरा देखते हैं।
भारत की पूरी आबादी में एससी की आबादी है 9%, एससी की आबादी है 20% और ओबीसी की 41%, यानी कुल मिलाकर हुआ 70%, यानी जनरल कैटेगरी का पॉपुलेशन बचता है 30%। और जहां तक रिजर्वेशन की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज में एसटी का रिजर्वेशन है 7.5%, एससी का 15% और ओबीसी का 27%, यानी कुल मिलाकर रिजर्वेशन है 49.5%। अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के 10% रिजर्वेशन के बाद 59.5% हुआ, से 60%। मतलब 70% की आबादी के लिए 60% सीट्स रिजर्व हैं और 30% की आबादी के लिए 40% सीट्स अवेलेबल हैं। अब अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो इस 30% की जनरल कैटेगरी में भी, इस पॉपुलेशन में भी 15% पॉपुलेशन मुस्लिम की है और स्टडीज बताती है कि मुस्लिम पॉपुलेशन में लिटरेसी रेट काफ़ी कम है और इस समुदाय के ज़्यादातर लोग अरब और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट के लिए निकल जाते हैं। सरकारी आंकड़े के मुताबिक सेंट्रल सर्विसेज में मुस्लिम सिर्फ 2.5% ही एम्प्लॉयड है, यानी सिर्फ 5% भी अगर हम कंपटीटर माने ना तो भी 100 में से 40% सीट्स के लिए जो अनरिजर्व हैं सिर्फ 20% लोगों के बीच ही कंपटीशन है। एंड आई थिंक 70% पॉपुलेशन के लिए 60% सीट्स और 20% पॉपुलेशन के लिए 40% सीट्स बहुत अनजस्टिफाइड नहीं है। मैं जात प्रथा के बिल्कुल खिलाफ हूं और खुशकिस्मती से मैं किसी क्षेत्र से ताल्लुक रखता हूं जहां पर ना दहेज जैसी कुप्रथा है और ना है जातवाद। भले ही नॉर्थ ईस्ट को देश के बाकी हिस्से बहुत बैकवर्ड मानते हों, बट हियर एवरीवन इज इक्वल एंड एवरीवन इज इक्वली रिस्पेक्टेड। ये जो कुछ बाकी लोगों कुछ वर्गों के खिलाफ नाइंसाफी होती है, उन पर जुल्म होते हैं, ये सारी चीज़ें तो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखी है या फिर किताबों में पढ़ी है। सच में कहूँ तो यकीन भी नहीं होता कि सच में ऐसा कुछ होता भी हो। एंड कंक्लूडिंगली मैं ये कहना चाहूँगा, अगर समाज में हर किसी को बराबर का हक मिले, हर किसी को बराबर का मौका मिले, उन्हें मौका दिया जाए, तो रिजर्वेशन जैसी चीज़ों की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी। लेकिन समाज में जब तक विभाजन है तो पिछड़े लोग इस कुप्रथा के शिकार होते रहेंगे और जब तक कुप्रथा है ये समाज में बराबर के हिस्सेदार हो ही नहीं सकेंगे और तब तक रिजर्वेशन जैसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने देखा कि रिजर्वेशन पॉलिसी किसी भी तरह से कंपटीशन को निगेटिवली अफेक्ट नहीं करता। तो जब तक समाज में समानता नहीं आ जाती, हमें पिछड़े वर्गों को आगे लाने के लिए इन जैसी पॉलिसीज को जिंदा रखना होगा और हमारे आउटलुक को और थोड़ा सा ब्रॉड करना होगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप इस विषय में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कर दीजिएगा और मेरी इस सोच को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो देश हित में सोचिए, देश हित में कीजिए। जय हिंद।